तो देखो यार, हम लोगों का ज्यादातर ध्यान हमेशा आईफोन्स, फोन्स और सैमसंग के फ्लैगशिप ये वो फ्लांट ढिमकाना पे रहता है। लेकिन भाई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप लोग भाई पैसा भी अर्न कर सकते हो, वैसे फोन से भी कर सकते हो, बट काइंड ऑफ जिससे आप लोग कुछ नई चीजें लर्न कर सकते हो या फिर आपको एक प्रोडक्टिविटी में अपनी हेल्प चाहिए, और उसके अंदर भाई सबसे ज्यादा मेजर काम आता है हमारे लैपटॉप्स का। और लैपटॉप सेल में कितने के मिलेंगे, क्या होगा उनका एक्चुअल प्राइस, इस चीज के ऊपर काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या होने वाला है। तो आज मेरे पास एक बहुत ही ऐसा बेहतरीन लैपटॉप है जिसके ऊपर आप लोगों ने काफी सारे कॉमेंट्स करके भाई इस वाले लैपटॉप के बारे में हमको बताओ कि भाई किस तरीके का चलता है, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। और इसीलिए भाई मैंने सेम ये वाला लैपटॉप दोबारा से यूज करा। वैसे मैं इसका बड़ा भाई यूज करता हूँ, आप लोगों को बताया 15 इंच है मेरे पास सेम एयर M2 का। तो मैं आपको आज बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये किस तरीके का लैपटॉप है, क्या आप लोगों को वाला लैपटॉप लेना चाहिए। और ये पिछले साल BBD सेल के अंदर भाई हमारे को 70,000 रुपए तक का मिला है, लोगों को 69,000 तक का इसका रेट गया है लोगों के लिए। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा रिविजिट करते हैं, आप लोगों को बताते कि भाई कैसा लैपटॉप है। बट उससे पहले अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं भाई इस वाले तरह लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार, जब भी कोई भी आप लोग लैपटॉप वैसे देखते हो तो भाई आपको क्या आता है दिमाग में, प्रीमियमनेस आती है। और एप्पल की बात सुनकर तो हमेशा प्रीमियमनेस आती आती दिमाग में। तो ये वाला लैपटॉप भाई प्रीमियमनेस का पूरी खदान है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी यूनिफाइड एक एल्युमिनियम बॉडी मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी क्राफ्टमैनशिप से बनाई गई है, जिसको आप जब हाथ में उठाते हो तो बहुत ही एक अच्छी फील होता है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और ये हमने ऑलमोस्ट भाई 2 साल यूज कर लिया है। 2 साल के बाद थोड़ी बहुत चीजें हो चुकी है, इसके साथ ये गिर गया था एक बार, तो यहाँ पे अच्छा खासा डेंट आ चुका है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डेंट है, बाकी थोड़ा बहुत इसका पेंट है हटने लगा। हमारे पास ये ब्लू कलर है, मिडनाइट ब्लैक कलर जो था इनका, तो इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं भाई कलर के अंदर, जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो पीरियड ऑफ टाइम, जो आप लोगों को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो मैं यही बोलूंगा भाई इसको कवर में प्रोटेक्टेड रखो और स्किन लगा लो ताकि भाई स्क्रैचेस ना आए और इसका कलर ना हटे, अगर आप स्पेसिफिकली ये कलर ले रहे हो। और ये पूरा 100% रिसाइकल एल्युमिनियम से बना, तो एक ओवरऑल फील अच्छी है। बाकी ये सिर्फ 11.3 mm की थिकनेस के साथ आता है, जिस वजह से इसको कैरी करना काफी आसान है। और ऊपर से 3.6 इंच का पूरा पैनल है और वेट भी सब कुछ ज्यादा नहीं, अराउंड 1.24 kg का ही आता है, जिस वजह से आप लोग इजिली कैरी कर सकते हो। देखो सरल सी भाषा में बताऊंगा और मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आती, मैं एक हाथ से इसको भाई इजिली ग्रैप करके ऐसे खोल के भाई ऑन द गो काम कर सकता हूँ इस तरीके से, अगर मुझे कुछ भी करना हो। तो इस चीज के अंदर ये लैपटॉप बहुत ज्यादा वेल सॉर्टेड है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसी भी लैपटॉप का, जो हम लोग कभी भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के अंदर देखते हैं, वो है लॉन्जिविटी कैसी है, मतलब जो चीजें होती है जैसे हिंज हो गई, क्वालिटी हो गई, क्या क्या दिक्कतें, मतलब ऐसे कीबोर्ड कैसे चल रहे हैं इसकी। एक बार आप हिंज क्वालिटी देखो, आज भी बरकरार आ रहा है, कोई हमारे को इशू नहीं देखने मिलता। सेकंड थिंग, इसके अंदर ना जब ये गिरा था एक्चुअली यहाँ पे ना अच्छा खासा डेंट है, गिरने के बाद ना इसके हिंज के अंदर हल्की सी एक आवाज आती है और वो थोड़ा सा आप लोगों को फील होगा, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुलने ओपन होने में बंद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप सी के पोर्ट देखने मिल जाते हैं, जो कि Thunderbolt 3 है और ये USB 4 भी सपोर्ट करते हैं साथ में। इसके अंदर आपको भाई 4K की वीडियो रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट मिलता है टाइप सी के थ्रू ही। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक आपका चार्जर देखने मिल जाता है, जो कि एडिशन था पुरानी वाली एयर M1 से। तो डिजाइन वाइज मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा बढ़िया, लाजवाब है, बस इसमें आपको पोर्ट्स की थोड़ी सी कमी हो सकती है। अगर आप लोग भाई इसको ज्यादा अपने SSD लगाते हो, आप एडिटिंग के लिए यूज करो, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट जैसे हम लोग इसको भाई खोलते हैं तो इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है, कीबोर्ड भी एक अच्छा ट्रैवल के साथ आता है, एक अच्छी हमारे को हैप्टिक्स मिलता है। देखो अभी भी आवाज बढ़िया आ रही है, तो कीबोर्ड वाइज मैं बोलूंगा बढ़िया है। साथ ही में आपको इसमें इंटीग्रेटेड हमारे टच आईडी सेंसर देखने मिल जाता है, तो आप लोग अपने लॉगिन करना जो है कुछ भी पासवर्ड वासवर्ड सेट करना हो आप लोग इजीली इसके ऊपर रख पाओगे। जैसे आप देख सकते हो इसमें मेरा ना फिंगरप्रिंट सेटेड है, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो भाई इतनी जल्दी खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी सब लैपटॉप में आपको 1080p फेस टाइम कैमरा देखने मिलता है, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, जिस वजह से अगर आप फेस टाइम कॉल्स लेते हो तो आपकी ज्यादा बेटर रहेंगी। और इस वाले लैपटॉप में आपको नॉच भी देखने मिलती है, अगर आप ध्यान दोगे तो भाई ये है कुछ इस तरीके की इसकी नॉच। अब नॉच जो है हमारे इनिशियली लगा था भाई थोड़ी सी दिक्कत देगी जब लैपटॉप लॉन्च करता है एप्पल ने, बट अब आपने देखा होगा ज्यादातर लैपटॉप जितने भी एप्पल के आते हैं सभी के अंदर नॉचेस हैं, ज्यादातर तो क्या मतलब सभी के अंदर है, मेरे इसमें भी है। और मेरे को देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को तो बल्कि सही लगती है, क्योंकि आपको स्क्रीन का रियल एस्टेट थोड़ा ज्यादा ही मिलता है और इसका जो ऊपर का टॉप बार है वो इसके अंदर ऐसे मर्ज हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा बेटर फील आएगा आप लोगों को। और साथ ही में इसमें कोई भी आपको फैन नहीं मिलता, तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि भाई आपको आवाज कम आए ऐसा कुछ हो तो साइलेंट ट्रीटमेंट रहता है, तो उस चीजों के अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखो क्वालिटी की बात करें, जब डिस्प्ले जब हम लोग खोलते हैं 13.6 इंच का एक IPS रेटिना पैनल है, ये OLED पैनल नहीं है और ये ना रिफ्लेक्टिव पैनल है बहुत ज्यादा, तो अगर आप लोग भाई इसको आउटडोर यूज करो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी ये डिस्प्ले 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, तो पिछली वाली एयर M से 100 निट्स की ज्यादा थी, तो डिस्प्ले वाइज ब्राइटनेस यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता चलेगी जो इसमें है अपग्रेडेड। बाकी इसमें आपको P3 कलर गैमेट सपोर्ट मिल जाता है, ट्रू टोन सपोर्ट मिल जाता है, एंड डिस्प्ले डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करती है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स कोई कंटेंट वॉच करते हो डॉल्बी विजन वाला, इजीली प्लेबल है इस वाले के ऊपर, तो भाई मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लैपटॉप बन जाता है अगर आप लोग कंटेंट वॉच करना चाहते हो। साथ ही में स्पीकर क्वालिटी मेरे को इसकी अच्छी लगती है, कोई बुरी नहीं है।
देखो यार, ये वाला जो स्पीकर सेटअप है रिचनेस थोड़ी कम सपोर्टेड रखता है, बट ओवरऑल क्लैरिटी आपको पता चलेगी भाई एप्पल के स्पीकर्स में आती है आज भी। बाकी इसमें वैसे सिस्टम फोर स्पीकर का ही है, और ऑन पेपर लोग बोलते हैं कि यार एयर M1 से इसके जो स्पीकर्स है थोड़े कम लाउड है, और वो पता चलता है, बट डेप्थ इसमें ज्यादा आपको काइंड ऑफ फील हो जाती है। और बाकी आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोग कोई ऐसा कंटेंट वॉच कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो सब चीजें सपोर्टेड रहेंगी। तो एक मीडिया वॉचिंग डिवाइस या फिर आप कंटेंट वॉचिंग डिवाइस के हिसाब से इस वाले लैपटॉप को लेते हो तो भाई काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है परफॉर्मेंस। इसमें भाई जो एप्पल का M2 चिपसेट है, इनका खुद का सिलिकॉन एप्पल का, वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है आज भी हमारे को? तो देखो यार, M2 जो है काफी डिसेंट प्रोसेसर है, मैंने खुद यूज करा है, बट मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो M1 था ना वो थोड़ा ज्यादा बेटर था M2 से। पता नहीं क्यों यार, जो M2 है कभी कभार बॉटल नेकिंग मेरे को फेस करवा देता है। हमारे पास M2 वाली मैक मिनी भी, M1 वाली मैक मिनी भी, हमने जब भी कंपेयर करा है M1 के अंदर थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमारे को मिली है, और वो सेम चीज मेरे को लैपटॉप में भी पता चली है। मेरे M2 के अंदर और M1 में थोड़ा सा फर्क है, एंड M1 कहीं की जगह पे बेटर हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि भाई ये लैपटॉप बिल्कुल खराब है, आपको परफॉर्मेंस चीजें ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनसे टॉप ऑफ द लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी बिल्कुल नेक्स्ट। अगर आप इसमें कोई भी कंटेंट अपना बनाते हो जो एडिट करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो, मल्टीपल रील्स एडिट कर सकते हो। बट बात यहाँ पे आती है जब आप लोग इसके अंदर हैवी एडिटिंग करोगे, जैसे कि 4K 10 बिट वाली फुटेजेस डाल दोगे, तो ये लैपटॉप के अंदर दिक्कत आने लग जाती है, बिकॉज इनके अंदर कोई भी फैन नहीं है, तो जिस वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाती है, जिस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो हमारे को पीक लेवल की नहीं मिल पाती लंबे समय तक। वैसे जो प्रोसेसर है इसके अंदर आपको 8 कोर का CPU मिल जाता है, जिसके अंदर की 4 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगे और 4 परफॉर्मेंस कोर्स रहेंगे, साथ ही में 16 कोर का न्यूरल इंजन मिल जाएगा, 8 कोर का ही GPU मिल जाएगा, मेमोरी भी इसमें आपको 8 GB यूनिफाइड मिलती है जो कि इसके इंटरनल स्टोरेज से लगी। तो मतलब एक अच्छा सेटअप है अगर आप लोग एक कोडिंग करना चाहते हो, आप अपना कुछ स्टडी नोट टेकिंग हो गई, अपनी कुछ चीजें हो गई बनानी है जो आप लोग आप इस पे इजीली कर पाओगे। साथ ही में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप कंटेंट बनाते हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, वो सब भी इसके ऊपर इजीली हो जाएगा, और कोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही वेबसाइट डेवलपमेंट ये सब चीजें इस पे इजीली हो जाएंगी। एंड जिसमें आपको बताया कॉम्पैक्ट है, तो आप ऑन द वे सब चीजें कर सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं कि भाई आपको एक बड़ा भारी भरकम लैपटॉप अपने कंधों पर टांग के चलना है। आप लोग इसको बैग में डालो, अपना ऐसे वॉकिंग करो और अपना काम सारा निपटाते चलो। मैंने आपको एक बहुत एक प्यारी सी टिप देता हूँ, अगर आप कोई भी ऐसा लैपटॉप लेते हो जब एप्पल का, तो ना इनकी जो बेसिक स्टोरेज है ना वो बहुत ज्यादा कम रहती है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बेस मॉडल तो लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ ना आप एक ना एक्सटर्नल SSD खरीद लिया करो, सैमसंग की T7 ले लो या फिर एक्सट्रीम SSD ले लो, और वो ना हमने अपने साथ इस लैपटॉप से चिपका लो कि ऐसा लगे कि भाई इसी का पार्ट है वो SSD, क्योंकि ना उससे आपकी स्टोरेज तो बढ़ेगी, साथ ही में आपको ना एक रिलायबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर आपका भाई इंटरनल स्टोरेज भरती है और आपको एडिट करने प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फाइनल कट प्रो ना भाई बहुत ज्यादा स्पेस लेता है जब आप लोग एडिट कर रहे होते हो उसके ऊपर, इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं भाई 200, 300, 400 GB के बन जाते हैं, हमारे तो भाई 700, 800 GB के बन जाते हैं। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सटर्नल SSD 1 TB या फिर 2 TB लेके रखना, जो इससे अटैच करके रखना, यहाँ पे वेलक्रो लगा लो पीछे की साइड में, चिपका के रखो उसे 24 घंटे, जब आपका लैपटॉप ऑन हो SSD वहाँ पे शो करे, जब आपका लैपटॉप बंद हो SSD बंद हो जाए। तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को लगता है इससे आपको हेल्प होगी अपने जितने भी मीडिया है मैनेज करने के लिए, अपनी जितनी भी स्टोरेज नीड्स है वो सारी इससे हो पाएंगे, क्योंकि इसकी इंटरनल स्टोरेज इतनी बड़ी नहीं है। 256 GB वाला बेस मॉडल होगा तो आपको दिक्कतें आएंगी, और वो फिर रैम में भी दिक्कत देता है, क्योंकि इसकी जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ती रहेगी तो रैम के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप मल्टीपल टैब्स हो गए क्रोम के या फिर फाइनल कट हो गया, मल्टीपल एप्लीकेशन हो गई, वो इस पर नहीं खोल पाओगे। अब इस वाले लैपटॉप को यूज करते हुए हमारे को काफी ज्यादा समय हो चुका है। अगर आप इसके अंदर एक चीज देखोगे तो बैटरी के अंदर जाने के बाद बैटरी जो हेल्थ है हमारी नॉर्मल है, अराउंड 93% पे, जो कि मेरे हिसाब से इतने टाइम के बाद बढ़िया है, क्योंकि 2 साल हमको ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको यूज करते, मैंने अगस्त में लिया था ये 2 साल पहले, तो अभी ये रेगुलरली यूज हुआ है, पिछले बस 1-2 महीने थोड़ा खाली था जब मैंने ये लिया था, तो जब से रेगुलरली यूज हुआ है, और मैंने नोटिस करा कि जो बैटरी पैटर्न है वो सही रहा है हमेशा से, बट अभी 93% जैसे मैंने बताया थोड़ी सी बैटरी में डिग्रेडेशन आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सभी में ये चीज होती है, और इसमें भी आपको वही सेम चीज देखने को मिली है, बट बैटरी लाइफ आज भी कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स ना इस रेंज के अंदर इसकी बहुत बेटर है। तो प्रोडक्टिविटी वाइज अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, आप एक वेब डेवलपर हो, वीडियो एडिटर हो, आप एक कोडिंग करना चाहते हो, जो भी करते हो आप लोग, आप ऑन द गो इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो पूरा पूरा, बिकॉज देखो यार आपको अपना जो डेटा है वो लॉस नहीं करवाना। तो होता क्या, जैसे मैंने देखा है कहीं जगह पे विंडोज लैपटॉप में ये चीज हमारे को प्रॉब्लम फेस होती, खुद पर्सनली मैंने भी करी है कि भाई हमारा जो डेटा है उसका सीन ऐसा रहता है कि भाई अगर उनमें पावर नहीं लगाई तो उसका एक तो आपको परफॉर्मेंस पूरी लेवल की अच्छी नहीं मिलती, फिर उनकी बैटरी बहुत जल्दी जाती है मेरे से। तो भाई विंडोज लैपटॉप के अंदर कोई सा भी ले लूं मैं होता ही होता है, थोड़ा सा एफिशिएंसी की एक है आपको प्रॉब्लम जो आपको फेस होगी। अब देखो इन लैपटॉप्स के अंदर MacOS चल रहा होता है, और MacOS आप लोग मान लो लंबे समय तक सपोर्ट देता है, 6-7 साल आराम से आप लोग लाइक लैपटॉप्स में रहेगा उनका अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट, तो आपको उधर भी प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। और काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन होती है मैक के ऊपर क्या वो पेड होती है, तो यार देखो जो विंडोज पे पेड है वो सेम आपको एप्लीकेशन मैक पे पेड मिलती है, बट ये कहीं कहीं जगह पे कुछ चीजें आपको अच्छी मिल जाती है, कहीं जगह पे कुछ चीजें बेकार मिलती है, बट ऐसे नहीं कि प्राइसिंग डिफरेंट है, जितनी विंडोज पे आप प्राइसिंग दोगे ना आपको उतनी मैक पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर चलाने हो तो विंडोज में थोड़े ज्यादा इजी रहते हैं, मैक में भी चल जाते हैं, बट वो थोड़े से आपको डिफिकल्ट वे से चलाने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग उनमें ज्यादा घुसाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा अगर आपको मैक के अंदर एक क्रैक सॉफ्टवेयर चलाना है। तो ये भी चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, बट यार चलो कोई नहीं, आप लोग पूछते हो इसलिए मैं आपको एज अ भाई वाली बात बता रहा हूं। सो एट द एंड देखो भाई, आज के टाइम पर अगर आपका एक लैपटॉप लेने का मन है, आप सच में एक एप्पल का इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहते हो MacOS के साथ, अपना एक M2 ज्यादा ऐसे हम लोग मान के मैं चला कि भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस, वो एक चीज आप लोग फैक्टर ध्यान
लैपटॉप बट एक अच्छा परफॉर्मिंग लैपटॉप ये एप्पल का M2 Air 13 इंचेस है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल चीजें करने के लिए भाई आपको एनेबल कर देगा। मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद है, मैं तो आज भी इसको भाई बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। मैं सच बताऊं तो मैं अपने कभी 15 इंचेस को ज्यादा कभी ऐसे पसंद करता हूं ना, उतना ज्यादा कभी उसको हेट भी करता हूं, जस्ट बिकॉज उसका साइज ही बड़ा है। तो मैंने उसको साइज के लिए लिया था, बट अभी कभी 13 इंचेस पसंद आता बिकॉज इसको इजीली ना कैरी कर सकता हूं। ये सबका अपना ओपिनियन है, बाकी आप लोग बताओ। मुझे तो यार आज भी ऐसा लगता है ना, अगर आप लोग इसको सोच रहे नहीं तो आप बेधड़क होकर बेझिझक होकर इसको ले लेना, बिल्कुल मजेदार चीज है, आज भी आप लोगों को मजा आएगा। कड़क माल है बेसिकली, एकदम कड़क माल है। तो बस यार इतनी थी वीडियो, अगर आपको पसंद है डिफरेंट लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे बोलता हूँ हमारी एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।